वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद अस की एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना कोई देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सभी ने ज़्यादातर आजकल लाइफ चेंजिंग जो कोर्स होते हैं जिसमें हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, वो हमने पढ़ा भी है और हम बहुत लोगों से हमने इस तरह की बातें सुनी भी हैं। लेकिन क्या है, ये सच बात है कि इन बातों को सुनकर अच्छा तो लगता है लेकिन हम इन चीज़ों को जो इन कोर्स में बातें कही होती हैं उनको हम अपनी लाइफ में एक्चुअल में अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि कुछ ऐसे ही कोर्स के बारे में, और मैं ये भी बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप इनमें जो सीख मिलती है, हमको जो मॉरल लेसन मिलता है, उसको आप कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो कोट है वो है, एवरीथिंग हैज़ इट्स ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज़ इट। अब ये बहुत एक खूबसूरत बात कही है जिसने भी कही है, क्योंकि ये बहुत फेमस जो फिलोसोफर है, थिंकर है, जिसे आप पर्सनालिटी भी कह सकते हैं, इस तरह के जो लोग बात करते हैं उनकी जो बातें हमारे घर दिल में घर कर जाती हैं और इनकी बातों का असर भी बहुत पड़ता है, लेकिन हम एक्चुअल में उसे अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बना पाते। तो अगर हम इस कोट को देखें कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज़ इट, कि सच बात है कि इस दुनिया में, इस कुदरत ने जो कुछ भी चीज़ है हमें दिखती है या जो कुछ हम अपने आसपास देखते हैं वो सब खूबसूरती से भरी हुई है, लेकिन वो खूबसूरती हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम आउटर अपीयरेंस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, हमारी जो दिमाग है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, हम किसी भी चीज़ की इनर ब्यूटी तक हमारी पहुँच नहीं होती। अब ये कैसे हम समझेंगे इस बात को? अगर हम लोगों को चीज़ों को वैल्यू करने लग जाए उनके बाहरी अपीयरेंस के बेस पर नहीं, अगर हम उनके अंदर की खूबसूरती को देखें, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी सोच कैसी है, तो ये सच बात है कि हमें हर इंसान, हर चीज़ इस कुदरत की खूबसूरत लगेगी। तो यही इस कोट की जो सीख है वो यही है कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज़ इट, कि हर चीज़ इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं उन सभी में खूबसूरती भरी है, वो सब कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। और उस खूबसूरती को वही आंखें, वही दिल देख सकता है जिसके अंदर खुद एक अच्छा दिल होगा। तो अगर हम इस कोट की जो सीख है इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो ये सच है कि हमारी लाइफ खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी और हम लोगों के अंदर भी पॉजिटिव देखेंगे। अब नेक्स्ट कोट देखते हैं, ये भी बहुत फेमस कोट है, लाइफ इज रियली सिंपल बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, कि ये सच है कि जो जिंदगी हमें ऊपर वाले ने दी है वो सिंपल है, सिंपल है, ठीक है, हाँ है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं, सिंपल तो नहीं है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे, क्योंकि हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी सोच के उलट होती हैं। इस हक सच बात है, ये हकीकत है, इसे कोई झुटला नहीं सकता, लेकिन ये भी सच है कि हमने कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफ है वो कॉम्प्लिकेटेड बना ली है। अब वो कैसे बनाई है, क्योंकि ये भी एक सच बात है कि इस दुनिया में अगर इंसान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से रहना है तो ज़रूरत के लिए तो सब कुछ है, लेकिन हम अपनी डिज़ायर्स बढ़ा लेते हैं, अपनी क्रेविंग्स बढ़ा लेते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें ज़रूरत से ज़्यादा कुछ और मिले, एक चीज़ है हमारे पास लेकिन इसके अलावा कुछ और, फिर वो दूसरी चीज़ मिल जाती है, फिर हमारी क्या ख्वाहिश होती है इसके अलावा कुछ और। तो ये क्या है, हम अपने डिज़ायर्स, अपनी क्रेविंग्स खुद ब खुद बढ़ाते हैं और इसीलिए हमारी जो लाइफ है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो यही इस कोट की जो सीख है वो ये है कि लाइफ तो सिंपल होती है लेकिन इंसान जो है खुद उसको कॉम्प्लिकेट कर लेता है अपनी सोच से, अपने रवैये से, अपने तरीकों से। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ को कैसे सिंपल रखना है, हमें जो कुछ है हमें एक तो उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, ठीक है, ये सच है कि हर इंसान को प्रोग्रेस करना चाहिए लाइफ में, और वो कब करेगा, जब वो अपनी सोच को सही रखेगा, सही डायरेक्शन में रखेगा, लेकिन जो मिला है उसमें खुश रहना है, और अगर कुछ नहीं भी मिला तो तब भी हमें ग्रेटफुल रहना है, हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि इससे क्या है, हमारी ही लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। तो यही सीख है इस कोट की, और अगर हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी और चेयरफुल हो जाएगी। अब नेक्स्ट कोट देखते हैं जो है, इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। इस कोट में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितना धीरे चल रहे हैं, चलने से यहाँ क्या मतलब है कि आप अपनी लाइफ में कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर जब तक आप रुके नहीं तो ये बात मैटर करती है। इस कोट में जो है ये सीख दी गई है
कि हमें लाइफ में चाहे कितनी भी फेलियर्स हम फेस करें, कितनी भी हमें परेशानियाँ डिफ़िकल्टीज आए, हमें रुकना नहीं है। भले ही हमारी जो चाल है वो धीमी है, हम एकदम से अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, हम उनको पार करते हुए अगर ना रुके तो यही चीज़ मायने रखती है और तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। ये भी सच है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसकी लाइफ में क्या टेंशन रहती है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे कुछ अच्छा करना है। एक इंसान है वो जॉब करता है तो उसको अपनी जॉब की परवाह रहती है कि भाई मुझे ऐसा काम करना है, बॉस नाराज़ हो जाएंगे, मैं ऐसा करूँगा तो बॉस खुश हो जाएंगे। तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन है, लेकिन इन सब चीज़ों का इफेक्ट हमें अपना ऊपर नहीं लाना है। भले ही हम लाइफ में कितना स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हो, हम एकदम से अपने गोल तक ना पहुंच पा रहे हो, लेकिन हमें रुकना नहीं है। और यही इस कोट की सीख है। आई होप कि अगर हम सभी इस कोट कि जो लेसन है इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे और हमारी जो लाइफ है भले ही वो हमारे मुताबिक ना चले, लेकिन हम कभी भी नेगेटिविटी में नहीं घिरेंगे। अब हम नेक्स्ट कोट को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो किस लिहाज से? क्योंकि ये चीज़ हम सभी फेस करते हैं। अब हम कोट को देखते हैं, वो क्या है। बिफोर यू एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ रिवेंज, डिग टू ग्रेव्स। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर आप किसी से बदला लेने की आपने ठान ही ली है, सोच ही लिया है, तो आप अपने लिए और उसके लिए दोनों के लिए बुरा करेंगे। वो क्यों? क्योंकि ये सच है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें हार्म करते हैं, जो हमें हर्ट करते हैं। भले ही हमने उनका कुछ बुरा नहीं किया है, लेकिन वो हमें गुस्सा दिलाते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा दिल ज़रूर दुखता है। भले ही हमने उनका कुछ नुकसान नहीं किया होता, लेकिन कुछ लोग इसको, इस नेगेटिविटी को अपने दिल में पाल लेते हैं और फिर क्या सोचते हैं, वो मैं भी बदला लूँगा। बदला कैसे लूँगा? कि मैं भी वही करूँगा जो इसने मेरे साथ किया। लेकिन ये चीज़ हमें टेम्प्ररी बेसिस पे तो अच्छी लगती है कि हाँ चलो मैंने इसका नुकसान कर दिया, लेकिन इससे हम इन द लॉन्ग रन अपने आप को ही हार्म करते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो है नेगेटिविटी का जो एक समुंदर है वो भर जाता है और हम हर वक्त जो है नेगेटिव थॉट्स से ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो भले ही हम उससे बदला ले लेंगे, लेकिन हमने खुद को भी बुरा बना लिया उसकी बुराई की वजह से। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो रिवेंज वाली फीलिंग है इसे अपने दिल में ना लाए। भले ही लोग कितना भी बुरा करें, लोग करते हैं ये सच बात है, लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना है क्योंकि फिर हमें उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो कभी भी आपको अपने दिमाग में रिवेंज वाली फीलिंग नहीं लानी क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ना उसका बल्कि खुद का भी नुकसान करते हैं। आई होप इस कोर्स से बहुत अच्छी सीख मिली है। अगर हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम कभी भी नेगेटिविटी के समुंदर में नहीं घिरेंगे और हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट कोर्ट देखते हैं। चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट चेंज। इसका मतलब ये है कि अगर हम चीज़ों को देखने का अपना नज़रिए की तरफ देखने का अपना नज़रिया बदल लें तो चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये सच बात है कि हम बहुत कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ से कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, और क्योंकि लोगों की हमसे उम्मीद है और हमारी भी कुछ उम्मीद होती है कि हम ये अचीव करें, लेकिन क्या है कभी कभी हम वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती तो हमारे अंदर ना एक नेगेटिविटी बढ़ जाती है कि हम ये अचीव नहीं कर पाए, एक डिप्रेस जो है हम रहने लगते हैं। तो अगर हम चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल लेंगे तो उससे क्या होगा, चीज़ें खुद ब खुद बदल जाएंगी। तो हमें हर चीज़ को जो है अपने तरीके से नहीं देखना, चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट करें जैसे कि वो है, और हमें अपनी थिंकिंग राइट रखनी है, हाँ अपनी सोच सही रखनी है। तो अगर हम अपनी सोच सही रखेंगे, जाहिर बात है हम खुद सही रास्ते पर चलेंगे, और जब हम खुद सही रास्ते पर चलेंगे तो लोग हमें देखकर बदलेंगे और फिर दुनिया को भी हम इनडायरेक्टली बदल सकते हैं। ये तो बड़े बड़े लोगों का कहना है कि पहले इंसान को खुद के अंदर सुधार लाना चाहिए, तभी वो दुनिया को भी सुधार सकता है। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच सही रखनी पड़ेगी, चीज़ों की तरफ को देखने का अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को भी अपने तरीके से बदल पाएंगे। इस कोट में भी एक बहुत अच्छी हमें सीख मिली है। नेक्स्ट कोट, आई हेयर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। इस कोट में बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है। ये बात जो है ये हर लाइफ की हर लेवल पे अप्लाई होती है और हर इंसान के ऊपर अप्लाई होती है। कैसे? ये बात बहुत लोगों ने मतलब इस चीज़ पर जोर दिया है कि जो इंसान है वो तजुर्बों से सीखता है। जैसे मैं आपको कितना भी कुछ समझा लूँ या आप मुझे कुछ भी समझा लें, लोगों की बातें जब तक हम पे असर कुछ हद तक कर सकती है, लेकिन जब तक हम उस चीज़ को खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ना करें,
तो हम सीखते नहीं हैं कभी भी। तो इस कोट में यही कहा गया है कि जब मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, मतलब सुनी सुनाई बातें इंसान अक्सर भूल ही जाता है, ये सच है। आई सी एंड आई रिमेंबर, जब मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ कुछ याद रहता है, जैसे देखी हुई चीज़ें हम याद रखते हैं कि हाँ भाई मैंने उसे ये चीज़ देखी थी या इसे देखा था, हमें याद रहता है। लेकिन आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, लेकिन जब मैं करता हूँ कोई चीज़ तो मैं समझता हूँ। तो ये जो समझ है ना, यही चीज़ इंसान की लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है। अगर हम चीज़ों को समझें, लोगों को समझें, तो यही चीज़ बड़ी बात है। और ये चीज़ कब हमें पता चलेगी, जब हम उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद करके देखेंगे। जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हम पढ़ तो लेते हैं भाई ये एम है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये इसमें प्रोसीजर है, ये रिजल्ट आया, बट अगर वो एक्सपेरिमेंट आपने खुद प्रैक्टिकली कर कर ही नहीं देखा तो फिर आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो क्या है, आपको करके देखना है तभी आप समझेंगे। और ये जो बात है ये हर फील्ड में अप्लाई होती है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो या कोई आम इंसान है, वो भी हमेशा कोई काम करके सीखता है। इस दुनिया का कोई भी काम है वो आप बिना तजुर्बे के सीख ही नहीं सकते, जब तक आप उसे करेंगे नहीं। तो समझने के लिए करना ज़रूरी है। और लास्ट जो कोट है आज के सेशन का, वो है, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। इस कोट को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये जो बात है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम और हमारे बड़े समझ नहीं पाते। वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बहुत प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें 99% मार्क्स लाने। लेकिन अगर बच्चा फेल हो जाए या कभी उसके मार्क्स कम आ जाए, वो उसे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और उसे ऐसा फील कराते हैं जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके दूसरे जो क्लास के बच्चे उसके आगे। तो वो ये नहीं समझते कि जब बच्चा गिरेगा तभी तो उठेगा। तो इस कोट में हमें यही सीख मिली है कि हमारी जो ग्रेटेस्ट ग्लोरी है वो इस बात में नहीं है कि हम कभी गिरे ही ना, बल्कि हर टाइम जब भी हम गिरे तो हम दोबारा उठे। तो अगर ये बात हमारे पेरेंट्स समझ ले तो कभी भी वो बच्चों को प्रेशराइज नहीं करेंगे किसी बात के लिए, और वो जिसमें बेहतर कर सकते हैं उस चीज़ को समझ कर, उसे पहचान कर, उसे उसके लिए आगे इनकरेज करें। तो इस कोर्स से बहुत अच्छी सीख ये मिलती है कि भले ही हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, हम जो कुछ चाहते वो अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन ये जो हमारा फेलियर है यही हमें बहुत कुछ सिखाता है। और हमें इस बात से कभी नहीं डरना चाहिए कि अगर हम फेल हो रहे हैं तो इसमें कोई इंसल्ट वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जब हम गिरेंगे तभी सीखेंगे, और जब भी हम गिरेंगे हम दोबारा उठेंगे भी, ये भी इस बात में पुख्ताई है और इसमें एक अच्छी बात है। तो ये चीज़ हम अगर हम सभी समझ लें, हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकता है। तो आज की क्लास में जो मैंने कोट्स बताए आपको, ये फेमस फिलोसोफर्स के कोट्स थे और इनसे बहुत अच्छी हमने आज बातें सीखी। अगर हम ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम इसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें, इसे अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें, इसके ऊपर एक्शन में अमल करें, इसकी एप्लीकेशन अपनी लाइफ में ला दें, तो हमारी लाइफ भी खूबसूरत हो जाएगी। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं डिप्रेस है या वो नेगेटिविटी में डूब गए हैं तो उनको भी कुछ हद तक हेल्प मिल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह के एजुकेशन और मोटिवेशन कंटेंट लाती रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।